भाई गाड़ी स्टार्ट कर यार जल्दी, भाई जल्दी बिठा इसको, पीछे तो नहीं आ रहा यार वो। निकल यार यहाँ से, जल्दी निकल यार, इसकी सोसाइटी में लेते हैं, इसको वापस पहुंचाते हैं। रोक रोक भाई, यही सोसाइटी है यार। थोड़ा सा ध्यान से रखियो अभी इसको। सो गाइस उस बच्चे को तो उतार दिया था भाई साहब, उसके घर वाले इतने ज्यादा खुश हो गए, वहाँ पे इतने बंदे इकट्ठे हो रखे थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे साथ वहाँ पे जाने की। वो तो हमें वो बच्चा मिल ही गया भाई, और इतनी मुश्किल से वहाँ से निकल के तो आ गए। और मैं इसने उस जिन के साथ क्या किया यार, भाई मेरे को तो लग रहा था वो कोई नॉर्मल इंसान है भाई, पर वो तो यार जिन है यार, और वो 20 साल पुराना यार, उसने पहले भी कर रखी ये चीजें। और गाइस उस महेश ने उस जिन के ऊपर ही अटैक कर दिया भाई साहब, मेरे ख्याल से उसको एक बलि देनी थी, आज उसने उस जिन की बलि दे दी यार। यार महेश अब किसी और बंदे को ढूंढेगा भाई, भाई वो उसको लेके जा रहा था, वो लेके जा रहा था उसको, मतलब इसके अलावा कोई और अड्डा भाई इसका। चल छोड़ यार यहाँ से निकलते हैं जल्दी से। ओए ओए ये कौन बैठा हो बीच में, ओए ये कौन है, ये तो महेश, भाई महेश है रे, तो ओ भाई साहब क्या कर रहा है यार जल्दी, ओ भाई साहब गाड़ी के ऊपर चढ़ गया यार, जल्दी निकल यार भाई साहब। वैसे अभी सुबह तो हो चुका है भाई, रात को आपने देख लिया वो हमारे साथ क्या सीन हुआ था, उस बच्चे को बचा के तो घर पे छोड़ दिया था, पर भाई आते वक्त महेश हमारे सामने आ गया भाई, उसको टक्कर मार के हम तो वहाँ से निकल लिए थे भाई, वो फिर भी पीछे लग गया हमारे, और भी रात को तो वहाँ से बच के आ चुके थे। और भी रोहित भी एडमिट करा रखा था, उसकी भी तबीयत ठीक हो चुकी है, पर उसे मिलने चलते हैं, उसकी तबीयत अभी कैसी है। सो गाइस अभी विनीत भी आ चुका है, चले भाई उसके पास है, चलिए यार। सो गाइस अभी तो ऐसे निकलते सीधा रोहित के घर पे जा रहे, उसका हालचाल पूछने। सो गाइस अभी रोहित के घर के बाहर तो आ चुके हैं भाई, कैसी है तबीयत अब? यार ठीक है अब तो। घर वालों ने तेरे से भी कुछ पूछा था? यार मुझसे तो कुछ ऐसा खास पूछा नहीं, मैंने कह दिया था कि फूड पॉइजनिंग वगैरह होगी, तो उसके बाद इतना खास कुछ पूछा नहीं मेरे से। यार सही हुआ भाई, इसके घर पे पता नहीं चली यार ये सब चीजें। हेलो किसका फोन है भाई? हाँ जी भैया किसके घर? चलो आ रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं। क्या हो गया भाई? वो गाड़ी होगी यार, वो पीपीएफ वगैरह होगी गाड़ी। हाँ भाई भाई जल्दी ले ले वहाँ पे। भाई जब 6-7 दिन हो चुके थे हमारी गाड़ी को गए हुए भाई, आज फाइनली उनकी कॉल आ चुकी है कि अपनी गाड़ी रेडी हो चुकी है, जल्दी से आगे ले जाओ। भाई 2 दिन की बोला था, परसों दे दें, 8वें दिन दे रहे यार। मेरे को तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि कैसा लुक निकल के आया होगा भाई उसका। वही तो भाई, मेरे को खुद हट लेता हूँ चाट दे। गाइस ऑल ब्लैक करा रखी है भाई, बिल्कुल माफिया कार लगेगी। और आप लोगों ने कमेंट कर रखा था ना कि कैलिपर के नियॉन कलर कराना, तो भी नियॉन कलर ही कराया। इतने दिनों बाद अपनी गाड़ी लेने आ चुके हैं। तो गाइस अपना दोस्त भी आया हुआ था भाई अपनी डिलीवरी पे। तो गाइस ये देखो सामने खड़ी हुई अपनी स्कॉर्पियो है भाई साहब, अभी जाके दिखाते हैं भाई। सो इज फाइनली अपनी स्कॉर्पियो एंड रेडी हो चुकी है भाई साहब, ये देखो ऑल ब्लैक हो रखी है भाई, न्यून कलर इतना सही लग रहा है यार। सो गाइस ये देखो कितने तगड़े लग रहे हैं भाई साहब, कैलिपर मैंने तो सोचा भी नहीं था ये कलर इतना बेस्ट लगेगा, रात को तो चमकेंगे यार ये। जब भी अपनी गाड़ी घर पे लेके तो आ चुके हैं, अभी गाड़ी तो घर पे लगा दी है, देखो अपने सब्सक्राइबर इकट्ठे हो रखे थे, गाड़ी की चाबी दिया, वहाँ भी आया एक मिनट में। तो इस गाड़ी की चाबी तो अभी घर पे रख दिया, क्योंकि अभी भाई घूमने जा रहा है, अभी 2-3 दिन के लिए पहाड़ों साइड जा रहा है यार। भाई गाड़ी निकाल लेता ना भाई, भाई घूमने जा रहा है पहाड़ों की साइड, 2-3 दिन में आएगा यार। यार इतने दिनों बाद तो आई थी वो गाड़ी, फिर चली जाएगी। कोई बात नहीं भाई, 2-3 दिन बाद वो घूम के आ जाएंगे, फिर हम घूमने निकलते हैं पहाड़ों की साइड। भाई यार मेरा फोन नहीं मिला घर पे, तुम्हारे पास है क्या इसका फोन? तेरा फोन भाई हमें भी नहीं मिला, हमें लगा कि वहाँ पे भट्ठे पे पड़ा हुआ है, वहाँ पे देख के आए तो वहाँ पे वो सीन हो गया था लास्ट टाइम। कल भी ढूंढने गए थे तब भी नहीं मिला था यार, लेकिन भट्ठों पे तो मिलेगा अगर घर पे नहीं है तो। भाई फिर वहाँ से उठा के लाना पड़ेगा यार, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा भाई वहाँ पे, मुझे यार बहुत डर लगता है वहाँ पे जाने में। अगर भाई फोन से ही है तो वहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कहाँ पे हो सकता है फोन। क्या सीन हुआ था वहाँ पे तेरे साथ है? भाई मुझे कुछ नहीं पता यार, मैं उस टैंकर में फंस गया था। टैंकर में फंस गया था भाई? उसके तो साइड से गए थे, मैंने देखा था टैंकर खड़ा, मैं हाथ भी मार रहा था उस टैंकर के, तुमने सुना भी नहीं भाई, हमें आवाज ही नहीं आई भाई हमें। फिर एंड में भाई उस जिन ने टैंकर ऊपर से बंद कर दिया यार। तू बाहर नदी में कैसे मिला था? टैंकर में यार मेरी सांस घुट रही थी, मुझे यार इतनी प्यास भी लग रही थी, मुश्किल से बाहर निकला मैं उस टैंकर से, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क भी नहीं थे। फिर मैं वहाँ पे वीडियो बनाने लग गया, अभी यार पीछे से अटैक कर दिया मेरे ऊपर, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है यार। फिर तो भाई उस क्लिप में कुछ ना कुछ मिल सकता है यार कि किसने अटैक किया था। तो भाई फोन लाना बहुत जरूरी है, उसी में पता चल पाया कि क्या सीन चल रहा है, किसने इसके ऊपर अटैक किया था। उसी साइड जाके एक बार जल्दी से इसका फोन ढूंढने की कोशिश करते हैं। गाइस भट्ठे पे आते आते अंधेरा हो चुका है भाई, अंधेरे में पता नहीं उस फोन को कैसे ढूंढेंगे यार वहाँ पे, इसमें क्लिप वगैरह बनी हुई, इसलिए फोन को ढूंढने में इतना रिस्क ले रहे हैं हम। सो गाइस अभी भट्ठे पे तो आ चुके हैं भाई, यही टैंक था यार वो जिसमें मैं फंस गया था, ये टैंक था यार, ये पागल था इसमें क्यों गया भाई ये। चल जल्दी से भाई उस नदी पे ले ले फोन, उठाते और निकलते हैं यहाँ से। तो यार अंधेरा भी हो गया, मैं कह रहा था कि दिन में आ जाते हैं यहाँ पे।
सो गाइस इतनी दूर पड़ती है लोकेशन, भाई साहब आते आते अंधेरा ही हो चुका है। देखो नदी भाई साहब, ये भी नहीं पता कि ये कितनी गहरी है और यहाँ पे पड़ा हुआ था रोहित। मैं यार यहीं से पानी पिया था, पीछे से किसी ने अटैक किया था मुझ पे। भाई साहब ये शुक्र मना कि तू इसके अंदर नहीं गिरा, ये भी नहीं पता ये कितनी गहरी है भाई। फिर फोन भी तो दिखाई नहीं दे रहा यार इसके अंदर। ऐसे कैसे मिलेगा भाई, इसके अंदर जाके देखना पड़ेगा। तो भाई ये नदी तो इतनी गहरी है, अगर इसके अंदर फोन होगा तो भाई साहब वो तो खराब हो चुका होगा यार। पहले सबसे पहले ये बता, तू टैंकर से निकल के कहाँ कहाँ से आया था, क्या पता वहाँ पे पड़ा हो फोन। यहाँ से आया था मैं नदी के किनारे से, यहाँ पे चल के देखना पड़ेगा यार। आज तो आ रही यार इधर उधर पड़ी हुई है नदी के अंदर। क्या कूदा था यार, तो अभी आसपास देख रहे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा यार। भाई बात जंगल के अंदर से आया था यार मैं, आगे वहाँ से जंगल से भागता हुआ आया था ये। भाई एक काम करते हैं यार, दोबारा से उस दूसरे भट्टे पे जाके उनसे ही बात करते हैं, क्या पता वो कुछ बता दे। तो गाइस अगर फोन ऑन होता तो भाई बेल वेल मार के उसकी लाइट ऑन हो जाती तो हमें पता चल जाता भाई फोन भी स्विच ऑफ हो रखा है। भाई जंगल वाली लोकेशन में ढूंढना तो भाई साहब इम्पोसिबल है यार। तो गाइस यहाँ पे तो आने का कोई भी फायदा नहीं हुआ, अभी वहाँ पे भट्टे पे जा रहे हैं, बार देखते हैं वहाँ पे कुछ पता चल जाए। तो यहाँ पे आते ही इतना नेगेटिव फील होने लगता भाई। सो गाइस अभी सीधा सोसाइटी में जा रहे हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे जाके क्या पता चलता है। ये कौन खड़े हुए हैं भाई रोड पे? से पूछ लेते हैं भाई एक बार। अरे भाई साहब बाहर क्यों घूम रहे हो आप? घर पे जा रहा है भैया, ये आगे अपना हमारा घर। अरे वो क्या नाम है जो महेश था उसको लेके गया था जिनको, वो कहाँ पे लेके जा सकता है उसको? यहाँ 20 साल पहले एक बहुत बड़ा खंडर था, वहाँ हो सकता है शायद। अबे वो खंडर आ गए भैया, रास्ते में आते टाइम तो यार कुछ नहीं दिखाया सर, रास्ते में है कहीं अंदर जाके? नहीं नहीं 1-2 किलोमीटर आ गए। पक्का वहाँ पे हो सकता है वो? देखा था 20 साल पहले भाई, हो सकता है। फिर वहाँ पे ट्राई करने में कुछ नहीं जाएगा, जाना उस खंडर में बहुत बड़ा खतरा है भैया, बहुत बड़ा खतरा है। समय से भी उस सोसाइटी में जाते जाते वो बंदा मिल गया भाई, वो बोल रहा है कि 20 साल पहले एक खंडर था, हो सकता है तो वहाँ पे हो सकता है, वरना उसके अलावा तो पता नहीं ने भी कि कहाँ पे होगा। घर क्योंकि सारे भट्टों पे देख लिया भाई, हमने कहीं पे नहीं मिला यार वो, और इसने रास्ता बताया कम से कम भी आगे 1-2 किलोमीटर अंदर जाके है। पर जैसे ही हमने बोला ना कि हमारे साथ चलना पड़ेगा, इसने साफ मना कर दिया कि आपको रास्ता बता दिया, वहाँ पे जाना तो चले जाओ वरना हम साथ नहीं आ रहे। उन बच्चों को भाई वहीं पे लेके जाता हो यार वो, सारी चीजें भाई वहीं पे जाके पता चलेंगी। ये गाड़ी इतनी देर से पीछा क्यों कर रही है हमारा? यार मोहित भाई मैंने कॉल कर दी थी। अच्छा मोहित की गाड़ी है क्या? हाँ भाई सही कह रहा हूँ, उसे भी बुला लिया ऐसी जगह पे, चारों बंदे हो गए ना तो ज्यादा ठीक रहेगा। सो गाइस अभी आगे पता नहीं कैसा अजीब सा रास्ता आ गया, अभी मोहित की गाड़ी तो यहाँ पे बाहर ही लगवा दी है, अभी सारे इकट्ठे हो गए इसी गाड़ी में जा रहे हैं। तो गाइस अभी इस लोकेशन पे यहाँ पे आस पास तो यही खंडर है, यही तो नहीं है यार, खंडर तो यही लग रहा है यार। पर यार इसके अंदर तो सामान वगैरह रखा हुआ कुछ, तब 20 साल पहले वो यहाँ पे आता होगा, क्या पता है इसमें अपना यूज वगैरह करने लग गया उस जगह पे। कोई सामान जैसा रखा यार, बहुत टाइम हो गया इसको भी रखे रखे भाई, फिर तो यार चलते हैं ऐसे। और आसपास में तो ऐसा कुछ खंडर दिखाई भी नहीं दे रहा, यहाँ से मोड़ेगी भी तो नहीं भाई, आगे से मोड़ के लाते हैं। चल एक काम करेंगे भाई, कल दिन में ही देख लेंगे तेरा फोन, कल दिन में ही ढूंढेंगे भाई। अब यार नहीं मिलेगा तो नया ले लेंगे यार फोन के लिए, फोन की बात नहीं थी भाई, जो उसमें वीडियो कैप्चर हुई थी ना उसमें कुछ ना कुछ पक्का मिलता है यार, मोड़ने का भी तो रास्ता नहीं है भाई। गलती फंसा दी यार, यहाँ पे गाड़ी मुड़ेगी कहाँ से? कैसा रास्ता बता दिया उस आदमी ने, आगे बंद हुआ तो भाई बैक कैसे जाएंगे यार इतना लंबा। ओए फिर ये क्या आ गया भाई, भाई ऊपर कौन खड़ा है ये? पर कोई खड़ा था यही तो वो खंडर नहीं है यार। भाई मेरे को तो यही लग रहा है यार भाई, काम करते भाई गाड़ी साइड में लगा, चुपचाप अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है यार। भाई ये देख यार ऐसा लग रहा है बैठा भाई उसमें। काम करते हैं आवाज वगैरह मत करो, लाइट वाइट निकालते हैं। तू पागल है यार, वापस चलते तो भी यही पे हो यार वो। भाई पर चल के तो देख लेते यार, तेरा फोन भी तो लेना, भी इतनी पास आके तो वापस नहीं जा सकते भाई, हम चलते हैं। तू एक काम कर, तू गाड़ी में रुक, गाड़ी में बैठा रही हो। आस पास देखो पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और ये देखो भाई सब कैसी जगह पे ये खंडर बन रखा है। चल भाई साथ में। अरे आजा तू, मना कर रहा है यार, जल्दी चलो यार। साहब कैसी जगह है यार ये, घूम रहे भाई ऐसा लग रहा है 50-60 साल पुरानी जगह है यार। भाई अभी इस लोकेशन पे तो आ चुके भाई साहब, इतनी ज्यादा नेगेटिव वाइब आ रही है यार, और कम से कम भी पता चलेगा, ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे कोई हमें देख रहा है जब से। अंदर से भी आवाज आ रही यार, 50-60 साल बिल्कुल कान के पास से गया था। किसी की प्रेजेंस फील हो रही है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, सब ये छात वगैरह भी गिर रखी है आपकी तो।
ये ऐसा लग रहा है यार छत गिरने से यार काफी लोगों की मौत भी हो रखी होगी यहाँ पे। और ये छत भी ऐसी यार यहाँ पे मत खड़े रहो यार ज्यादा देर। भाई किसी भी टाइम गिर सकती है, ये देखो सामने गिरी हुई है यार ये। सो गाइस इस बिल्डिंग की हालत इतनी खराब हो रखी है, अभी तो यहाँ से निकल ले। यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी। ये लाइट किसकी है भाई? अरे तू इस साइड क्या करने आ रहा है यार? तुम आए थे क्या भाई गाड़ी के वहाँ पे? हम तो ऊपर ही हैं तब से यार। मुझे तो लगा गाड़ी के आसपास कोई घूम रहा है इसलिए भाग के आया तुम्हारी तरफ। गाड़ी के आसपास अभी आ रहे हो पीछे? कोई फोन आ गया भाई? कोई भी नहीं आसपास है, पीछे ही आ रहे यार। यार ये क्या चीज दिख रही है भाई इसको? क्या हो गया? कहाँ घुस गया भाई? बाहर तो आ जा रोहित। निकल रहे चल भाई, चल रहे यहाँ से। रोहित नीचे आता जल्दी। लाइट किस चीज की आ रही है भाई? चल जल्दी चल वहाँ पे चल के देखते हैं यार। ओए रोहित इसको तो बुला लेती यार, ये ऊपर ही बैठा हुआ जब से। यार कोने में बैठा हुआ बिल्कुल। रोहित ओए भाई, ओए हम तो महेश है यार। ये महेश कहाँ से आ रहा है भाई? कंकाल किसका लटका रखा है यार? ओए सामने कंकाल भी है यार। क्या रही चोल कर दिया यार इसने? तो कल इसने चिन पे अटैक किया था, कोई उसका कंकाल तो नहीं भाई? ये क्या ब्लैक मैजिक कर रहा है भाई? तो वही लग रहा भाई जिनका कंकाल है यार ये। पर यार एक दिन में कंकाल कैसे बन जाएगा यार? भाई मेरे को लग रहा है वो जिन भी आसपास ही होगा। ओए वो पेड़ पे भी चढ़ जाता है यार। यहाँ पे रुकना सेफ नहीं है भाई, निकलते हैं यहाँ से। कर क्या रहे यार ये भाई? इसने देख लिया ना यार, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी भाई। यहाँ से निकलते यार, इससे पहले वो जिन आ जाए यार। रोहित को बुला यार। रोहित इसे आ जा नीचे भाई, जल्दी नीचे आ। तू पागल है क्या? वहाँ पे क्या कर रहा है? क्या हुआ? ओए क्या क्या कर रहा भाई ये? मुझे किसी के खून की बुआरी। ये क्या बात कर रहा है यार? भाई स्मेल आ रही है उसको किसी चीज की, कभी पता तो नहीं चल जाए यार हमारा। भाई यहाँ पे रुकना सेफ नहीं यार, निकल भाई यहाँ से। भाई जल्दी निकलते यार। रोहित उसके पास ऊपर चल यार, ऊपर ही चल के देखते हैं। रोहित यहाँ पे तो कोई नहीं है यार। कहाँ चला गया यार वो? भाई कभी नीचे तो नहीं चला गया यार? भाई मैं इस पे अटैक कर दूं भाई। भाई जल्दी नीचे चल यार। ओए रुक रुक विनीत विनीत यहाँ से देख लेते भाई अंदर। भाई यहाँ पे तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। भाई अंदर चल के देखते यार। रोहित रोहित भाई वो महेश कहाँ गया यार? ओए यहाँ पे तो महेश भी नहीं है भाई। यार अभी तक तो यहीं पे था भाई, कहाँ गया? ये क्या कर रखा है? क्या सीन है यार ये? ओ भाई साहब क्या रिचोल किया यार यहाँ पे? और उसका यार मुंह भी टूटा हुआ यार कंकाल का। भाई ये इंसान का कंकाल नहीं लग रहा यार। और किस चीज का भाई ये? भाई इसके ये देख उल्टे हाथ पैर भाई इसके। भाई मेरे को तो ये जिम का कंकाल लग रहा है यार। भाई तो कह रहा हूँ यार इतनी देर से भाई ऊपर देख के। रोहित रोहित ओए वो सामने कौन खड़ा है भाई? सामने लाइट। अरे तू वहां क्या कर रहा है भाई? भाई क्या ये है? महेश यार ये तो ओए तो ये क्या है? ओ भाई साहब फिर ये क्या है? ओ ये तो वो है यार जिसमें कैद करते हैं भाई जिन वगैरह को। भाई साहब इसका तो ढक्कन गायब है यार। बोले यार किसी और को जा तो नहीं कर दिया हरीश ने अब? और वो ही दिखा मेरे को यार वहां पे। अरे सारे राजा से महेश ने पकड़ रखा है भाई उसको। रोहित रोहित सब कैसी जगह है यार ये? क्या कर रखा है भाई उसने? भाई पक्का उस बोतल से कोई जीना दाद किया यार इसने आज। भाई इधर आ जा रहा, तू भाग के वहाँ पे क्या कर रहा है यार? महेश है यहाँ पे। कहाँ चला गया यार? तेरे को गाड़ी में बैठने के लिए बोला था। मेरे को ऐसा लगा था उसने बाहर से आवाज लगाई थी यार, अंदर बिना बात आ गया। वो बाहर ही है गाड़ी के पास। भाई उस साइड से आवाज आई है यार। भाई साहब निकल यार यहाँ से। भाई इसके ऊपर ट्रैप किसने डाल दिया यार ये? भाई जल्दी निकल यार। यार वो महेश ये तो नहीं खुलेगा यार ऐसे। भाई काट रहा वो महेश है यार आसपास। भाई जल्दी कुछ ढूंढ यार। काट यार इसको जल्दी काट। भाई साहब जल्दी काट जल्दी काट जल्दी काट जल्दी निकल यार। जल्दी निकल यार भी तू निकल भाई जल्दी। भाई आसपास ही है वो, जल्दी भागो यार यहाँ से। रोहित कहाँ यार? भाई चक्कू लग गया इसकी उंगली पे। खून निकल रहा है उसका। एक काम कर तू जल्दी से गाड़ी में जाके वो दो अमरोहित को लेके आती है। भाई सब ये कर क्या रहा है यार? ये चार पैरों पे चल के आ रहा भाई, क्या सीन कर रहा है यार? भाई ट्रैप को चाट रहा है यार। ट्रैप को क्यों चाट रहा है?
भाई मेरे को लग रहा है वो विनीत का खून तो नहीं चाट रहा है यार। भाई विनीत के पास उसके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक ना करती यार ये। विनीत भाई गाड़ी के अंदर ही बैठो भाई, जल्दी गाड़ी निकाल यार, भाई जल्दी निकाल यार यहाँ से। भाई साहब क्या छीन कर दिया था भाई उसने, मैं ट्रैप में फंसा लिया था यार। और तू पागल क्या कर रहा था ऊपर जब से? और पीछे आ रहा हूँ क्या था इसका खून यार, कैसे चाट रहा था यार भाई। भाई क्या ब्लैक मैजिक कर दिया यार वो भाई। तू यहाँ से निकल, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो चिंता मत कर। याद किसको आजाद कर दिया उस बोतल में से उसने? भाई वो बोतल, वो जिन की बोतल थी उसमें कैद कर रखा था, कोई रिचोल करके उसको आजाद कर दिया। भाई क्या करना चाहता है यार ये, इसके ही समझ में नहीं आ रहा भाई। आपके तो सारे घर ऐसे यार ताले लगे हुए हैं भाई सब में।